शिवपुरी जिले के तेंदुआ थाना आने वाले ग्राम कोडोनिया गणेश में एक नवविवाहिता के साथ ससुरालियों की हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता को प्रताड़ित कर 6 माह में इसलिए मार डाला क्योंकि उसके पिता ने दहेज में कार नहीं दी थी। इतना ही नहीं, बिना पोस्टमार्टम करवाए ससुराल जन उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे। गनीमत रही कि पुलिस की नजर पड़ गई, जिसमें पुलिस के हस्तक्षेप पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं ससुराल जन इसे मौत बता रहे हैं तो मायके वाले से हत्या बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार वर्षा तोमर निवासी ग्राम कंजवाहा थाना खनिया धाना की शादी आज से 6 माह पूर्व विकास उर्फ सोनू निवासी गणेश कॉलोनी ग्राम कुडोनिया गणेश थाना तेंदुआ के साथ हुई थी। शादी में वर्षा के पिता ने 5,51,000 रुपए नगद सहित घर गृहस्थी का सभी सामान दिया। वहीं ससुरालियों ने कार मांगी तो वर्षा के पिता ने कहा कि अगली फसल आएगी तो कार भी दे देंगे। इसके बाद विदाई कर दी गई और वर्षा अपनी ससुराल चली गई। लेकिन अभी उसे ससुराल में 10 दिन ही नहीं हुए थे कि वर्षा पर सास, ननद, ससुर और पति ने जुल्म करना शुरू कर दिए। कार के लिए वर्षा को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ना को लेकर वर्षा ने कई बार पिता और अपनी मां को ये बात बताई, जिस पर लड़के को समझाइश दी गई, लेकिन इस समझाइश का कोई असर नहीं हुआ और वर्षा को प्रताड़ित करना जारी रखा गया। 6 माह की प्रताड़ना झेलने के बाद वर्षा की आज मौत हो गई। वर्षा की मौत हो जाने पर ससुर ने वर्षा के परिजनों को बताया कि वर्षा की तबीयत खराब है और उल्टी करने के बाद उसकी मौत हो गई है और फोन काट दिया। भी आप बच्चे पे आरोप लगा रहे थे तो उसके पति पे, वर्षा के पति पे क्या आरोप था? हाँ जी है कि उसके नाजायज संबंध भी थे किसी से। उसकी किससे से की मतलब? अब जी मुझे पता नहीं, मतलब आपको कैसे पता चला इस विषय में? मतलब मुझे पता चला लगभग 1 महीना बच्ची ने बताया कि मतलब किसी से नाजायज संबंध भी थे। किसको बताया था? बुआ को बताया था, उन्होंने अपनी मामी को बताया था। आपने उसको पहले समझाया था लड़के को? लड़के को एक आध बार मतलब ऐसा हिंट दी तो उसने उसको मतलब गौर नहीं की। तो अभी आप चाहते हो कि उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकल जाए? जी मैं चाहता हूँ उसकी मोबाइल से कॉल डिटेल निकलना चाहिए। किस नाम है आपका? मैं शरण सिंह ठाकुर का रहने वाला हूँ। जो मृतिका है ये आपकी कौन लगती है? जी मेरी भतीजी लगती है। तो ये कैसे क्या हुआ, आपको क्या लगता है? जी सर 6 महीने पहले शादी हुई थी इनकी। हाँ तो दहेज मैंने मांगे थे हमसे 5,51,000। हाँ तो इनको हमने वो दे दी, इसके बाद में पूरा दहेज दिया। हाँ इसके बाद में इनकी डिमांड थी कि एक 4-व्हीलर चाहिए हमें, तो वो हमने इनको बोल दिया था कि हम फसल उगा के इसके बाद में आपको 4-व्हीलर दे देंगे। तो आए दिन परेशान करते थे। लगभग शादी के 10 दिन बाद से आज तक उन्होंने परेशान किया उसको। और पहले से मारपीट भी करते थे? मारपीट करते थे सर, आए दिन मारपीट करते थे। ऐसा कुछ लड़की ने आपको बताया? जी कई बार बताया तो मतलब मुझे परेशान हूँ। अब ये कैसे मौत हुई, आपको क्या लगता है क्या किया इन्होंने? हमें तो ये लगता है कि इन्हें गर्दन दबा की मौत ये इसकी निशान है और बहुत मतलब। वो लड़की की जो ससुर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि उल्टी हुई है, उससे मौत हो गई। बस नहीं सर, आप उसके शरीर में देख लो, एक एक हड्डी गिन लो, जब आई थी उस वर उसके शरीर में वो थी और आज के उसका केवल 15-20 किलो वजन बचा है। मार इतनी प्रताड़ ना करते थे, मारपीट भी करते थे ना? दहेज वहेज की मांग कर रहे थे? दहेज की 4-व्हीलर की मांग करते थे। 5.5 लाख रुपये उनको पहले फलदान में दे दिए थे, इसके बाद में पूरा 2 लाख रुपये का दहेज दिया। कहाँ के हैं रहने वाले? जी हम ये हैं कोडोनिया तेंदुआ थाने में पड़ती है, वहाँ के हैं रहने वाले। हाँ जी। तो आपको कब सूचित किया उन्होंने लड़की की मृत्यु के बारे में? मृत्यु हो चुकी थी, इसके बाद में इन्होंने बोला हमसे कि 3 बजे फ़ोन लगाया कि मतलब लड़की बोल नहीं रही है। हाँ जबकि उस समय लड़की ख़त्म हो गई थी, मृत इनने मतलब यहाँ खड़िया वो शिवपुरी में लाए मृत, तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिर मतलब ये जलाने ले जा रहे थे अपने गांव पे, तो एक पुलिस वाले थे, उनने कहा नहीं ये सेकंड मामला है, तो उनने मतलब उनको खरोच मरोच देखी। हाँ। तो मतलब उनने फिर उसको रोक लिया डेड बॉडी के लिए। हाँ। तो वहाँ रखवा दिया। अच्छा ये पीएम भी नहीं कराना चाह रहे थे? नहीं नहीं जी नहीं कराना चाह रहे थे। जब हम आए तो हमने वहाँ अस्पताल में नहीं, हमने वहाँ देखा घर चील, कौन सा चील घर बोलते हैं, इसमें देखा। तो उसका पति वगैरह भी कहाँ है? जी फरार है सर, पूरा पति नहीं आया फरार है। अभी ससुर शायद उसके आए थे तो डेड बॉडी लेके गए हैं जबरदस्ती। अब दबाव में पुलिस भी आई और हम लोगों ने दबाव बनाया, इसके बावजूद भी लाश को ले आए। तो अभी आप क्या चाहते हो?
अब जिस आते हैं हम सर, हम यहाँ चाहते हैं कि कठोर से कठोर